हेलो गाइस, माय सब रिसर्च पास्टर, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विद आरपी पे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको हम दिलवाने वाले हैं रीनेम कार्ड बिल्कुल फ्री, और साथ ही साथ हम आपको दिलवाएंगे एक मटेरियल जिससे कि आप अपने गन को फायरआर्म को कैसे अपग्रेड कर सकते हो। तो आपको हम इस वीडियो में दिलवाएंगे एक रीनेम कार्ड और साथ ही साथ एक मटेरियल। मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी होंगी जिसमें कि वो आपको दिखलाते हैं कि आपको लेवल 9 पे एक रीनेम कार्ड मिलता है या फिर क्रू पॉइंट से रीनेम कार्ड मिलता है। तो मैं इन सारी चीज़ों में आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, मैं आपको डायरेक्टली सिंपल ट्रिक बतलाने वाला हूँ कि आपको कैसे रीनेम कार्ड मिल जाएगा और सबसे आसानी से मिलने वाला है। तो बस बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, आपको ज़रूर से ज़रूर रीनेम कार्ड और एक मटेरियल मिल जाएगा। तो अगर आप इसी तरीके पबजी की टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दबा दें बेल आइकन, क्योंकि हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन तब तक सबसे पहले आएंगी और आप उसे सबसे पहले देख पाओगे। तो गाइस, चलिए बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको कोई सा भी एक वीपीएन ले लेना है। मैंने यहाँ पे होला वीपीएन लिया है। होला वीपीएन में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने पबजी सेलेक्ट कर लिया है और हमें जो सर्वर सेलेक्ट करना है वो है नेदरलैंड। तो नेदरलैंड से हमें सेलेक्ट करना है और फिर आपको कनेक्ट कर लेना है। तो इधर कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है ना कि पबजी को वापस से रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद क्या होगा कि जब आप इधर सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे सेटिंग में आपको यहाँ पे नीचे में चेंज करने का ऑप्शन आएगा। तो उस चेंज करने में आप देख लेना कि वहाँ पे नीदरलैंड का सर्वर दिखला रहा है कि नहीं। अगर दिखला रहा है नीदरलैंड का तो आप चेंज कर लेना, नहीं तो क्या होता है ना कि बहुत सारे वीपीएन जो होते हैं वो सही से सही लोकेशन पे कनेक्ट नहीं करते। तो क्या होता है कि आपका दूसरा सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा तो फिर आपको वो रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको पहले वहाँ पे चेक कर लेना है कि क्या वो चेंज में नीदरलैंड का सर्वर दिखला रहा है, और नहीं तो आप फिर दूसरा वीपीएन ट्राई कर सकते हैं। तो सिंपली जब आपका नीदरलैंड से कनेक्ट हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, आपको आ जाना है इवेंट वाले सेक्शन में। तो गाइज, हम आ चुके हैं इधर इवेंट वाले सेक्शन में। जब आप नीचे जाएंगे टुगेदर विथ प्ले पे तो आप इधर देख सकते हैं कि सर्वाइव फॉर अ टोटल 15 मिनट्स पे आपको एक आईडी कार्ड मिल जाएगा और 30 मिनट के सर्वाइव पे आपको एक मटेरियल मिल जाएगा। तो आप ये एक गेम में भी कर सकते हो, 30 मिनट सर्वाइव और ये दोनों चीज़ें कलेक्ट कर सकते हो। तो गाइज, चलिए हम सर्वाइव करते हैं और ये चीज़ें कलेक्ट करते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पर 15 मिनट गेम खेल लिए हैं। अब वापस से चलते हैं हम इवेंट वाले सेक्शन में। तो वापस इवेंट सेक्शन पे आने के बाद 15 मिनट सर्वाइव करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमें कलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो हम इसे सिंपली कलेक्ट करते हैं। तो कलेक्ट करने पे क्लिक, और देख सकते हैं गाइज हमें आईडी कार्ड मिल चुका है। तो अभी मैंने 15 मिनट ही किया था, तो आप 30 मिनट करने के बाद इस मटेरियल को भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इन्वेंट्री में शो करते हैं इसे। तो गाइज, चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ मेरे इन्वेंट्री में जो रीनेम कार्ड जो है वो। देख सकते हैं आप, यहाँ पे रीनेम कार्ड आ चुका है मेरी इन्वेंट्री में। तो गाइज, आशा है कि आपको जो ये वीडियो है पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो गाइज इस वीडियो को लाइक कर देना, और किसी भी तरह की क्वेरीज हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। और गाइज, इसी तरीके की पबजी की धमाकेदार टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो लगातार पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दबा दें बेल आइकन को, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।